हेलो पीपल, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में चैप्टर ए का पार्ट टू बताऊँगा। पार्ट टू है, इसमें जो कंसेप्ट्स हमारे पीएम में नहीं थे बट जो हमारे सिलेबस में, हमारे स्टडी मटेरियल में है, वो हम कंसेप्ट्स कवर करेंगे। मतलब पार्ट वन और पार्ट टू क्यूमुलेटिवली पूरे स्टडी मटेरियल कवर कर लेंगे। मैं खाली स्टडी मटेरियल से क्यों इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ही वास्ट, मतलब बहुत बहुत लिखा है स्टडी मटेरियल में जो कि हम लोग को इतना नेसेसरी नहीं है, और डायरेक्ट खाली इससे पढ़ना विल बी ह्यूज टाइम टेकिंग थिंग। हमारे वीडियोस 4-5 घंटे के हो सकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम और हमको पीएम से पढ़ने से हमको आइडियाज़ भी जाते हैं। एक तो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उससे भी आइडिया हो जाएगा, और सेकंड कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, वो सब हमको आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैं पहले पीएम से पढ़ाऊंगी, उसके बाद जो कंसेप्ट बचे रहेंगे उसको मैं स्टडी मटेरियल से कवर अप कर लूँगी। तो ये मैंने अपना स्टडी मटेरियल खोल रखा है पहले, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। मैंने ग्रिड कंप्यूटिंग एकदम खाली डायग्राम वाइज समझाया था पीएम में, बट फर्स्ट पार्ट में इसमें डिटेल में जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। The computing resource in most of the organization are underutilized but are necessary for certain operations. Grid computing का main, the idea of grid computing is to make use of such non-utilized computing power by the needy organization and thereby the return on investment on computer investment can be increased. तो मेन ग्रिड कंप्यूटिंग का आइडिया क्या है कि जो कंप्यूटिंग पावर अभी यूटिलाइज्ड में नहीं है, जो कंप्यूटर्स अभी आइडल में रखे हैं, जिनके फंक्शंस अभी हो नहीं रहे हैं, उसको जो और जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये फंक्शंस चाहिए, जो कंप्यूटर्स चाहिए पर उनके पास इतना कॉस्ट नहीं है कि वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, नए कंप्यूटर्स में इनका करें, तो वो थ्रू ग्रिड कंप्यूटिंग क्या करते हैं, नॉन यूटिलाइज कंप्यूटिंग पावर को लेते हैं और अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था, इसको ग्रिड कंप्यूटिंग बोलता है। तो मेन आइडिया ग्रिड कंप्यूटिंग इन्वेंट करने का यही था कि जो कंप्यूटर्स ऐसे आइडल पड़े हैं उनके पावर्स को यूज़ करें और वो नीडी ऑर्गेनाइजेशन को दें जिनको उनकी ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होते हैं। एक नॉर्मल कोई प्रॉब्लम, कोई टास्क के लिए हम इतने नॉन यूटिलाइज कंप्यूटर पावर लेंगे नहीं। ठीक है, दस ग्रिड कंप्यूटर इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग और प्रोसेसर मशीन मैनेजर विद द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज मिडलवेयर इन ऑर्डर टू एक्सेस एंड यूज द रिसोर्स रिमोटली। तो ये जो हम ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं वो किससे करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं मिडलवेयर, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं और रिसोर्स को रिमोटली यूज़ करते हैं। रिमोटली यूज़ करते हैं मतलब तुम इधर बैठे हो और कोई रिमोट लोकेशन में बैठे हो और तुम अपने कहीं से भी उसको, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिमोटली। तो ये पॉसिबल है थ्रू द सॉफ्टवेयर कॉल्ड मिडलवेयर। द मैनेजिंग एक्टिविटी ऑफ ग्रिड रिसोर्सेज थ्रू द मिडलवेयर इज कॉल्ड ग्रिड सर्विस। इस एक्टिविटी को बोलते हैं ग्रिड सर्विस। ग्रिड सर्विस प्रोवाइड एक्सेस, कंट्रोल, सिक्योरिटी, एक्सेस टू डाटा इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरीज एंड डेटाबेस एंड एक्सेस टू लार्ज स्केल इंटरएक्टिव एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो ये हमको क्या क्या देता है, हमको सिक्योरिटी देता है, हमको एक्सेस कंट्रोल, हमको कंट्रोल करने का एक्सेस देता है, हम लार्ज स्केल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हमको अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये सब हमको ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, फिर है वाई ग्रिड कंप्यूटर इज़ मोर पॉपुलर। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्यों पॉपुलर है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज पॉपुलर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इट इज़ द एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर एंड दस इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। क्योंकि हम इसमें कंप्यूटिंग जो हमारे आइडल कंप्यूटर्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब उसको यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। हमको नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड दिस एनेबल हेट्रोजीनियस रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर टू वर्क कोऑपरेटिवली एंड कोलैबोरेटिवली टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जैसे हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज है मतलब कैसे टाइप के भी रिसोर्सेज हैं, सबको अलग अलग रिसोर्स, ऐसे नहीं कि सारा सेम टाइप का डेस्कटॉप है। हम कंप्यूटर्स तो करते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो रिसोर्स रहते हैं जैसे प्रिंटर, सीपीयूज, ये सबको भी कोलैबोरेट कर सकते हैं ना। तो सारे हेट्रोजीनियस रिसोर्स हैं उसको हम कोऑपरेटिवली वर्क करके हम अपने कॉम्प्लेक्स से साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग हमारा हो गया, फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग जो कि हो गया। सेकंड कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, या क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन हमने पीएम में कवर कर रखा है। अब एक बार डायग्राम देखेंगे तो देख सकते हैं एग्जाम में यू कैन ड्रॉ सच डायग्राम्स।
तो बार डायग्राम्स देख लेना सारे मटेरियल्स में। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस ग्रिड कंप्यूटिंग, भी हमने पढ़ लिया था वो स्केलेबिलिटी है, मल्टी टास्किंग है, और उसमें डिफरेंसेस में आ जाएगा, स्टोरेज वाला आ जाएगा, फिर कंप्यूटेशनल वाला आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ चुका है क्लाउड वर्सेस ग्रिड कंप्यूटिंग में। गोल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर भी, जो बैक एंड एंड फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो है वो हमने कर लिया है। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट अब स्टार्ट करते हैं। इसके भी क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के भी ये चार हैं, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। मैं इसको यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगी, मैंने इसका नोट्स लिखा है, वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू आवर नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। हमने ये IPCC में भी पढ़ा था, बहुत इजी है। प्राइवेट क्लाउड, चार एनवायरनमेंट होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी। फिर मैंने इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस चारों के लिखे हैं, तो हम पढ़ते हैं। आई नो थोड़ा बहुत कुचुर कुचुर है, बट अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा क्लियर। और मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी थोड़ा बेटर वे में लिखने के लिए, जो समझ में आएगा। पर अभी प्लीज़ इससे थोड़ा काम चला लें। तो प्राइवेट क्लाउड मैं एकदम जूम कर दे रही हूँ ताकि बहुत ही क्लियर दिखे आप लोगों को। प्राइवेट क्लाउड में सबसे पहला पॉइंट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो है विद इन द ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, और वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही होता है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में ही बनता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही बनता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए ही बनता है। सेकेंड है, इसको हम इंटरनल और कॉरपोरेट क्लाउड, इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इंटरनल क्लाउड या कॉर्पोरेट क्लाउड, तब आप स्ट्राइक नहीं करता है। तो याद रखें कि इंटरनल क्लाउड या कॉर्पोरेट क्लाउड प्राइवेट क्लाउड को ही बोलते हैं। इट इज़ बिल्ड बाय IT डिपार्टमेंट विद इन द एंटरप्राइज़। ये विद इन द एंटरप्राइज IT डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ही बनाते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के IT डिपार्टमेंट ही बनाएंगे। या इसको ऑब्वियसली हम आउटसोर्स कर सकते हैं। इट ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स विद इन द एंटरप्राइज विद एप्लीकेशन यूजिंग ग्रिड एंड वर्चुअलाइजेशन। तो वो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, हमारे जो एंटरप्राइज के रिसोर्सेस हैं उसको यूज़ करते हैं हमारा क्लाउड बनाने में, और थ्रू थ्रू किससे, थ्रू ग्रीड एंड वर्चुअलाइजेशन से ही वो यूज करते हैं। इट ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन एंटरप्राइज बाई यूजिंग ग्रीड एंड वर्चुअलाइजेशन। और फिफ्थ है कि ये या तो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है या फिर आउटसोर्स होता है बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को हम आउटसोर्स करते हैं। तो इसके 5 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट ये था कि ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। इसको इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं, ये IT डिपार्टमेंट ही बनाता है। ये ग्रिड एंड वर्चुअलाइजेशन से हमारे सारे रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, और ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या फिर आउटसोर्स होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पब्लिक सॉरी प्राइवेट क्लाउड। अगेन अब हम आएंगे पब्लिक क्लाउड में। तो पब्लिक क्लाउड का सब फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ क्लाउड, इट इज़ इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ प्रोविजन फॉर ओपन यूज़। ये जनरल पब्लिक के ओपन यूज़ के लिए बनता है, ये खाली और एक एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनता, ये ऑल ओवर पब्लिक के लिए बनता है। फिर है इट मे बी ओन मैनेज और ऑपरेटेड बाई बिजनेस, एकेडमिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सब कॉम्बिनेशन ऑफ दम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो IT डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता था, ओन करता था, पर यहाँ पे क्या है, ये कोई एक बिजनेस मैन भी कर सकता है, जिसका ये बिजनेस है क्लाउड बनाना, वो कर सकता है, या फिर एक एकेडमी कर सकता है, या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, या तो ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन कर सकता है। तो ये बिजनेस है, ये एकेडमिक है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या कॉम्बिनेशन है। फिर एडमिनिस्ट्रेट बाय थर्ड पार्टी और वेंडर ओवर इंटरनेट एंड ऑफर बाय पेपर यूज बेसिस। तो जैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपना ऑर्गेनाइजेशन ही कहता था, तो इसमें थर्ड पार्टी मतलब जो वेंडर है, थर्ड पार्टी ये किसी और का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं, या जो हमारा वेंडर है जो बनाया है वही करेगा। और ये पेपर यूज बेसिस में होता है, जितना तुम यूज़ करोगे उतना ही पे करो। और ये अगेन यूज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन आवरली बेसिस या आवरली बेसिस में रहता है, एंड वर्क विद इन द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द क्लाउड प्रोवाइडर प्रमिसेस। जो क्लाउड जो
जो हमको ये सर्विस प्रोवाइड किया उसके रिलेटेड में जो रिसोर्स है वही यूज़ करते हैं हम, अपना अलग से कोई हमको रिसोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो ये हमारा था पब्लिक क्लाउड, और पब्लिक क्लाउड का था ये ओपन फॉर जनरल पब्लिक है, इसको मैनेज ओन करता है बिजनेस या एकेडमी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या उसके कॉम्बिनेशन, इसको एडमिनिस्टर करता है थर्ड पार्टी या वेंडर पेपर यूज बेसिस में, आर्ली बेसिस में इसमें होता है, और क्लाउड प्रोवाइडर पर मैसेज के ही रिसोर्सेज हम यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, फिर है हाइब्रिड, इसके लिए भी हम एक अलग इंक ले लेते हैं, बेटर होगा हमको। हाइब्रिड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एटलीस्ट वन प्राइवेट एंड एटलीस्ट वन पब्लिक, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, वन प्राइवेट का और वन पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन, उनको हम हाइब्रिड बोलते हैं। इसका मेन आइडिया क्या होता है, ये है यूजुअल मेथड इज ऑफ यूजिंग हाइब्रिड क्लाउड टू है प्राइवेट क्लाउड इनिशियली एंड फॉर एडिशनल रिसोर्स पब्लिक क्लाउड इज यूज। तो हमको जनरली हम प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते रहते हैं, और फिर जब हमको लगता है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारे हमको ज़्यादा स्टोरेज जगह चाहिए, तो हम उसको एडिशनल रिसोर्स के लिए हम पब्लिक क्लाउड में जाते हैं। तो इनिशियल तो हमको जो इनिशियली प्राइवेट क्लाउड ही चाहिए, फिर एडिशनल रिसोर्स के लिए हमको पब्लिक क्लाउड चाहिए। ठीक है, फिर है वेंडर हैज प्राइवेट क्लाउड एंड वेंडर हैज़ प्राइवेट क्लाउड एंड फॉर्म पार्टनरशिप विद पब्लिक क्लाउड, और पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर फॉर्म्स पार्टनरशिप फ्रेंचाइज विद वेंडर दैट प्रोवाइड्स प्राइवेट क्लाउड। तो या तो प्राइवेट क्लाउड का वेंडर पार्टनरशिप करता है पब्लिक से, या वाइस वर्सा, और पार्टनरशिप या कोलाबरेट करके पार्टनरशिप या फिर फ्रेंचाइज करके इन लोग अपना करते हैं। ठीक है, फिर कैन बी रिगार्डेड एज प्राइवेट क्लाउड एक्सटेंड to public cloud and aim at utilizing the power of public cloud by retaining properties of private cloud. It is typically offered in either two ways. I know my handwriting sucks, but still, दो तीन कंसेप्ट बस इसमें मेरी हैंडराइटिंग से पढ़ना है, और मैं मेरी हैंडराइटिंग को कभी यूज़ नहीं करूँगी आप लोगों को समझाने में। तो ये इसको हम प्राइवेट क्लाउड एक्सटेंडेड टू पब्लिक क्लाउड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर रहता है पब्लिक क्लाउड का, पर प्रॉपर्टीज़ रहता है प्राइवेट क्लाउड का। मतलब हमको मतलब इसमें सारे जो जो पब्लिक क्लाउड के जो बेनिफिट्स हैं और जो प्राइवेट क्लाउड के बेनिफिट्स हैं, वो खाली बेनिफिट्स को एक्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे हाइब्रिड क्लाउड बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पब्लिक क्लाउड की बेनिफिट क्या है कि वो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हाइब्रिड हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमको जब हमारे रिसोर्स हमको बढ़ाने रहते हैं तो हमको नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए रहता है, हम डायरेक्ट पब्लिक क्लाउड में जाते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या है कि वो सिक्योर रहता है, तो ये हम क्योंकि हमारे हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो प्राइवेट क्लाउड में जो हमारे डेटाज हैं वो सिक्योर है, तो इसको पार्शियली सिक्योर बोल सकते हैं हम हाइब्रिड को। ठीक है, फिर है कम्युनिटी, अगेन कम्युनिटी के लिए मैं एक अलग पेन ले लूँ। फिर है हमारे कम्युनिटी, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ प्रोविजन फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ और स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए जो हमारे क्लाउड अगर यूज़ हो रहे हैं तो उसको हम कम्युनिटी क्लाउड बोलेंगे। ठीक है, फिर है हेंस प्राइवेट क्लाउड इज़ शेयर बिटवीन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक प्राइवेट क्लाउड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वन प्राइवेट क्लाउड, इसलिए उसको कम्युनिटी क्लाउड। जैसे हमारा सी ए एक हमारे सी ए वालों के लिए अगर कम्युनिटी क्लाउड बनेगा तो एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बन रहा है, तो उसको हम कम्युनिटी क्लाउड बोलेगा। बट हम सी ए वालों के पास उतनी वो नहीं है, उतनी क्या बोलते हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम एक प्राइवेट क्लाउड बना सकें, हमारी उतनी कॉस्ट नहीं, हम इतना एफर्ट कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारे अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे सी एस हो गया, सी एम ए हो गया, उनको भी साथ में लेंगे, उनको भी बोलेंगे कि तो हम अपन तीनों चारों हम अपन साथ में मिलकर हमारे लिए प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी क्लाउड बोलेंगे। तो ओन मैनेज ऑपरेटेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी थर्ड पार्टी या सेम, तो जो वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोग सी ए सी एस सी एम ए सब है, हम लोग मिल के, या हम किसी हम एक चाहेंगे कि हम किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दें कि भाई तुम मैनेज करना, या हम दोनों मतलब कुछ कुछ पोर्शन हम मैनेज करेंगे, कुछ कुछ तुम करोगे, ऐसे हम कॉम्बिनेशन के भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो बाय वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन, बाय थर्ड पार्टी और बाय कॉम्बिनेशंस। ठीक है, फिर है सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैनॉट एफोर्ड प्राइवेट क्लाउड एंड कैनॉट रिलाई ऑन पब्लिक क्लाउड आइदर, तो ये उनके लिए सुटेबल है जो कि प्राइवेट एफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, और हम रिलाई भी नहीं कर सकते पब्लिक के लिए क्योंकि हमारी जो डेटाज हैं वो बहुत सेंसिटिव है, इसलिए तो हमको
कम्युनिटी में ही जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है कि ये सेवर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, या उन लोग खुद मैनेज कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और ये उनके लिए है जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट को, और जो रिलाई नहीं कर सकते पब्लिक को। तो ये है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। आई होप मैंने जो मार्क किया उससे आपको और क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो SLAs यहाँ पे वीक होते हैं क्योंकि जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं। तो इसमें मतलब लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप हो केस हो जाता है, इसलिए इसमें वीक SLAs होते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक से ही हमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ढूंढना है। तो डिसएडवांटेज सबसे पहले हमारा वीक SLAs हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल सिक्योरिटी हमारे एडवांटेजेस में आएगा। तो हमारा एडवांटेजेस का फर्स्ट वाला हो गया हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, लिमिटेशन का भी लोस SLAs हो गया। ठीक है, फिर है सेंट्रल कंट्रोल भी हमारे एडवांटेजेस में आएंगे। उसके साथ साथ और क्या क्या है, पहले हम लिमिटेशंस में जाते हैं कि सबसे पहले लूज SLAs तो हमारा हो गया। फिर है दे हैव टू इन्वेस्ट इन बाइंग बिल्डिंग एंड मैनेजिंग, हमारा बहुत कॉस्ट लगने वाला है क्योंकि हमको खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, और बजट हमारा लिमिटेड है। तो यही हमारे लिमिटेशंस हो गए। पर एडवांटेजेस के हमको हाई सिक्योरिटी मिलेगा और स्मॉल इन साइज है, और मैं सेंट्रल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल करेगा। सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट है कि दी इम्प्रूव एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन, अलाउ यूसेज ऑफ लो कॉस्ट सर्वर एंड हार्डवेयर बाय प्रोवाइडिंग हायर इफेक्टिवनेस दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट दैट ग्रेटर नंबर ऑफ सर्वर वुड अदरवाइज एंटेल। तो इसमें क्या है, जो एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन हम अपन कर रहे हैं, तो मतलब अगर बहुत सारे ऐसे सर्वर हमने लिया है तो हमारे लिए वो लो कॉस्ट सर्वर हो जाएंगे, और उससे हम लोग हायर एफिशिएंसीज भी लाएंगे। मतलब अगर हम मतलब हमारा अगर यूज़ बहुत है, अगर इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, तो उससे हमको एफिशिएंसीज मिल जाएगी। तो हमको लो कॉस्ट में बहुत ग्रेटर नंबर ऑफ सर्विस सर्वर मिलेगा जो कि बहुत ही सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेजेस है। फिर आ जाए हम पब्लिक क्लाउड में। पब्लिक क्लाउड के भी पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर एडवांटेजेस है, फिर डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले है स्ट्रिंजेंट SLAs, मतलब यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में SLAs बहुत टफ होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर का रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका यही तो ये, अगर सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर्स को जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो उन लोग अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट ही नहीं होंगे ना। तो वही है कि सर्विस प्रोवाइडर रेपुटेशन कस्टमर टोटली डिपेंड ऑन क्लाउड सर्विस, दे फॉलो SLAs स्ट्रिक्टली एंड एनी वॉलेशन इज अवॉइडेड। फिर है लेस सिक्योर, ऑब्वियसली क्योंकि ये थर्ड पार्टी मैनेज करता है तो ये थोड़ा लेस सिक्योर रहता है। हाईली स्केलेबल होता है, इनको हम रिसोर्स आर लार्ज इन नंबर एंड सर्विस पर मेक श्योर दैट ऑल रिक्वेस्ट आर ग्रांटेड। हाईली स्केलेबल, हमको जितना चाहे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर हमारे अचानक से हमारी डिमांड्स बढ़ गई हमारे डेटाबेस की हमारे कुछ की, तो हमको इजीली हमको हेडेक नहीं लेना पड़ता कि हमको उसको बढ़ाने के लिए हमको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इजीली हाईली स्केलेबल हो सकता है, एफोर्डेबल है क्योंकि हम आवर्ली बेसिस में पे करते हैं, पे एज यू गो बेसिस में पे करते हैं। हाईली अवेलेबल है क्योंकि बैकअप बहुत इजीली कर ले हो जाता है, और कोई भी कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कोई जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इसमें से अपन एडवांटेजेस ढूंढते हैं क्योंकि स्ट्रिंजेंट SLAs हैं, क्यों इससे हमको क्या होगा, हम इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, लेस सिक्योर है ये हमारे डिसएडवांटेजेस में चले जाएगा, हाईली स्केलेबल हमारे एडवांटेजेस में आ जाएगा, एफोर्डेबल इज एडवांटेजेस, अवेलेबिलिटी इज एडवांटेजेस। तो वही है स्ट्रिक्ट SLAs स्ट्रिक्ट SLAs, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ यूजर्स, कितने भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, हाईली स्केलेबल है, नो नीड ऑफ सेट एन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनिंग द क्लाउड, अगर हमको मैं अचानक से हमारी डिमांड बढ़ गई तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, अलाउ ऑर्गेनाइजेशन रिली में हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, वाइडली यूज इन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, और हमारे डिसएडवांटेजेस हैं कि प्राइवेसी एंड ऑटोनोमी पॉसिबल नहीं है, और सिक्योरिटी एश्योरेंस, और सेकेंड है सिक्योरिटी एश्योरेंस एंड बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग क्लाइंट फार फ्रॉम डिजायर स्लोली लाइबल टू हैपन। ठीक है, फिर है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन, ये पब्लिक प्राइवेट क्लाउड है विद द पावर ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। तो ये मतलब दोनों के बेनिफिट्स देखने हैं। तो सबसे पहले हमको पब्लिक का बेनिफिट्स ये था कि हमारे SLAs स्ट्रिक्ट है। फिर
पार्शियली सिक्योर है क्योंकि इसमें प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड भी हाई रिस्क रहते हैं और प्राइवेट में कम सिक्योर रहता है, तो ये पार्शियली सिक्योर है। कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट क्योंकि ये दोनों टाइप के मॉडल्स कंटेन करता है तो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। स्केलेबल क्योंकि हमको पब्लिक क्लाउड के एडवांटेजेस लाना है तो ये स्केलेबल है, तो इसमें एडवांटेजेस हमारे हो जाएंगे बेटर सिक्योरिटी, हमको प्राइवेट पब्लिक क्लाउड से तो अच्छे सिक्योरिटी मिल जाएगा। हाईली स्केलेबल है क्योंकि इसमें बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट का वो रहता है पावर्स। लिमिटेशंस में है कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड एज दैट ऑफ प्राइवेट। पब्लिक से अच्छा है, प्राइवेट से गंदा है। ठीक है, फिर है कम्युनिटी। कम्युनिटी में स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है ना, तो ये पार्शली सिक्योर है क्योंकि फ्यू ऑर्गेनाइजेशन शेयर द क्लाउड सो देर इज पॉसिबिलिटी डाटा कैन बी लीक, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं करते ना, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन कम टुगेदर होते हैं और अपने लिए क्लाउड बनाते हैं, तो वो भी अगेन लीक होते हैं डेटा, बहुत सारे लोगों के पास शेयर जाते हैं तो लीक होने के चांसेस है, तो थोड़े कम सिक्योर है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड एंड प्राइवेट। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एक साथ बना रहे हैं तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा उन सबके बीच में। एंड कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, तो कोई सिंगल कंपनी तो बना नहीं रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेंटेनेंस की वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट क्योंकि कॉस्ट बच जा रहा है, कोलैबोरेटिव वर्क क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रही है, बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड अगेन, और क्योंकि पब्लिक कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर होगा, एंड देन शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लिमिटेशंस है ऑटोनोमी चली गई ऑर्गेनाइजेशन की, वो खुद करते हैं उसके साथ अब उनको शेयर करना पड़ रहा है। सिक्योरिटी फीचर्स नॉट एज गुड एज प्राइवेट क्लाउड अगेन एंड नॉट सुटेबल व्हेन, अगर कोई हमको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं मिल रहा है जो हमारे लिए रेडी, जो उन लोग रेडी हैं, हमको सेम थिंकिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं मिल रहा, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं मिल रहे हैं जो कि पब्लिक क्लाउड पर रिलाई नहीं कर पा रहे हैं और प्राइवेट क्लाउड का एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हमको हमारे थॉट वाले ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं मिल रहा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कोलैबोरेशन के, तो हम इस कम्युनिटी क्लाउड कैसे करेंगे, तो ये हमारे लिमिटेशंस थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे क्या हुआ ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। प्लीज़ आपको जो भी डाउट होगा मेरे को क्लियर कर लेना है, हैंड राइटिंग क्लियर, प्लीज़ इस बार हैंड राइटिंग को माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ। ठीक है, सो लेट्स गो टू अदर टॉपिक। सो लेट स्टार्ट, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस के थ्रेट्स। इसका मेमोरी कैप्सूल है इंडिया। आई से है इम्प्लीमेंटेशन रिक्स, एन से है नेटवर्क रिक्स, डी से है डिवाइस रिक्स, फिर आई से कुछ नहीं है, एंड देन ए से है एप्लीकेशन डिवाइस। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन रिक्स में क्या है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो वो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइड ODE is necessary. It should cover all technical issue as well as robust implementation policy. तो सारे technical issues को उसको consider करना चाहिए कि क्या क्या technical issues future में आ सकते हैं, तो उसको consider करके implementation effective होना चाहिए, as well as robust implementation policy. Robust मतलब strong, you know, strong healthy implementation policy होना चाहिए। फिर पॉलिसी मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस टू रिड्यूस चांसेस ऑफ डिवाइस मिसयूज़। तो जो भी पॉलिसी होगा ना वो मतलब एम्प्लॉय के कंडीशंस को उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अगर एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे उन लोग कुछ पॉलिसी डाल दिए हैं, यू नो, तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ ना। तो जो पॉलिसी होना चाहिए वो एम्प्लॉयज़ का जो एक्सपेक्टेशन है थ्रू दिस पॉलिसी, थ्रू दिस पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वीक पॉलिसी विल फेल टू एजुकेट एम्प्लॉय इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी टू वेरियस थ्रेट्स। तो अगर तुम वीक पॉलिसी बनाओगे तो एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आएगा, उनको बहुत लूप होल्स मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे और भी थ्रेट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, फिर है नेटवर्क रिस्क एग्जेम्प्लीफाइड इन लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी। इसमें ये फोकस कर रहा है कि डिवाइस विजिबिलिटी के ऊपर। इफ़ आईटी टीम इज़ अनअवेयर ऑफ नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क इट मे बी हैज़र्डियस। अगर एक क्योंकि हम पर्सनल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कितने एम्प्लॉयज़ का कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, तो इससे क्या है, इससे हैज़र्डियस हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है। अगर कोई एक एम्प्लॉय अपने
तीन चार डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया है, और एक डिवाइस का ही हमको पता है, हम एक ही डिवाइस को स्कैन कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो वो दूसरे डिवाइस जो उससे कनेक्टेड है वो उससे कुछ भी हैज़र्ड या स्कैम कर सकता है। इफ़ कंपनी यूजेस इट्स ओन डिवाइस एंड दे मेक दे मे एन्जॉय कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क कैन एनालाइज ट्रैफिक एंड डेटा एक्सचेंज ओवर इंटरनेट। तो अगर वो कंपनी, प्लीज़ बेयर विथ माई हैंडराइटिंग, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी नोट्स लिख रही थी एंड वैसे भी हूँ आई एम किडिंग, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है नहीं। तो इफ़ अगर कंपनी खुद का डिवाइस यूज़ कर रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको पता चलेगा, उसको विजिबल होगा टोटल कितने डिवाइसेज उससे कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, तो उससे उसको पता चलेगा कि कितने नेटवर्क में हैं और कितने उसका डेटा यूज़ कर रहे हैं, क्या ट्रैफिक है और कितने इंटरनेट में क्या क्या डेटा एक्सचेंज हो रहे हैं, सब पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंप्यूटर स्कैन करना है और ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं पता कि कितने कंप्यूटर्स हैं, वो इसी मैंने कि हमको कंप्यूटर स्कैन करने हैं सारे और हमको ये नहीं पता कि कितने कंप्यूटर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट विल बी अ वेरी हजार्डियस थिंग। फिर थर्ड है डिवाइस रिक्स, तो ये फोकस करते हैं डिवाइस लॉस्ट में, तो लॉस्ट स्टोलन डिवाइसेस कैन लीड टू एनर्मस फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल एम्बेरसमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एज दे होल्ड सेंसिटिव कंपोनेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई डिवाइस खो जा रहा है या चोरी हो जा रहा है तो उससे हमको बहुत फाइनेंशियली भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो कि हमारे कंपिटिटर के हमारे अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं, हमारे कंपिटिटर्स उसको उनको अगर उन लोग एक्सेस कर लेंगे तो हमको बहुत ही फाइनेंशियल दिक्कत भी हो सकती है और रेपुटेशनल दिक्कत भी हो सकती है। अगर कंपिटिटर्स हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे तो दैट मे दे मे इवन ट्राई टू हार्म आवर रेपुटेशन इन द सोसाइटी। तो ये तीन है। फिर फोर्थ है एप्लीकेशन डिवाइस एग्जाम्पलीफाइड इन एप्लीकेशन वायरस एंड मॉलवे, तो ये फोकस करता है वायरस में और मॉलवे में। डिवाइस सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट क्लियर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स, ये क्लियर नहीं है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइस को सिक्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजर्स सोचेंगे क्योंकि हम हमारे डिवाइसेस में ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन का है, एंड ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा कि क्योंकि वो डिवाइस यूज़र का है तो ये यूज़र का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट फिक्स, देयरफॉर मेनी डिवाइसेज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो अगर हम पहले से ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर देंगे तो दोनों एक दूसरे में इल्ज़ाम लगाएंगे एंड बट हमारा जो मेन नुकसान होना था वो हो जाएगा, मतलब हमारा जो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना था, हमको जो अपने डिवाइस प्रोटेक्ट करने थे, हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने थे, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का भी मेमोरी कैप्सूल्स है, दैट इज हिल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे हैप्पी एम्प्लॉयज, तो दे लव टू यूज देयर ओन डिवाइसेस, एम्प्लॉयज विल लव टू यूज देयर ओन डिवाइसेस, प्लस रिड्यूस नंबर ऑफ डिवाइसेस इज एम्प्लॉयज टू कैरी। तो अगर लाइक तुम ऑफिस में जाते हो, तुमको अपने दो तीन डिवाइस लेके जाना पड़ता है, तुम्हारा पर्सनल डिवाइस प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस है वो लेके जाना पड़ता है, बट अगर सेम ही डिवाइस का देंगे कि तुमको हम वो देंगे कि हम तुम अपने पर्सनल डिवाइसेस को ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू यूज़, और उनको ज़्यादा डिवाइसेस लेके भी नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस में, ठीक है। देन ई से है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी व्हेन दे यूज़ देयर ओन डिवाइस, क्योंकि वो वेरी यूज्ड टू होंगे अपने डिवाइसेस से, क्योंकि वो उनका पर्सनल डिवाइस होगा तो इससे बहुत कम टाइम में उनके काम हो जाएंगे, तो उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस यूज फर्स्ट दे हैव टू लर्न एंड देर इज़ अ लर्निंग कर्व इन्वॉल्व्ड, तो और अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ अलग सिस्टम्स होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा, तो उनको पहले याद देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होगा। फिर ए से है अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज आर प्रोएक्टिव इन एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट रिजल्ट इन एनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय लीडिंग ओवरऑल ग्रोथ। तो क्योंकि एम्प्लॉय का खुद का डिवाइस होगा तो कुछ भी नए टेक्नोलॉजीज आएंगे तो वो और वो उसको चाहेंगे कि वो अडॉप्ट करें, क्योंकि वो उनका डिवाइस है, तो एवरीवन वांट देयर वेरी अपडेटेड डिवाइस। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगा तो दे विल बी वेरी प्रोएक्टिव, बहुत एक्टिव होंगे कि वो अपने डिवाइस में भी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करें, तो इससे हमारे ओवरऑल ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर लोअर आईटी बजट्स, क्योंकि एम्प्लॉई अपने डिवाइस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोअर आईटी बजट्स कम हो जाएंगे, तो एम्प्लॉय कुड इन्वॉल्व फाइनेंशियल सेविंग टू ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग देयर ओन डिवाइस रिड्यूसिंग द आउटले ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इन साइड डिवाइसेज टू देम, क्योंकि वो एम्प्लॉय अपना यूज़ करेंगे डिवाइसेज तो ऑर्गेनाइजेशन को उनको डिवाइस नहीं देना पड़ेगा, विच विल अगेन लीड टू
कॉस्ट सेविंग। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ है, आईटी रेडियो सपोर्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एंड यूजर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस फॉर ऑल डिवाइस दस रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को एंड यूजर सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो डिवाइस एम्प्लॉय का है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया उनको, तो उससे उनका कॉस्ट भी बहुत बचेगा। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ BYOD हिल्स। अभी है हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स। तो हियर इज हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स। तो सबसे पहले क्या होगा, द यूज़र एंटर्स और एक्सेस डाटा यूजिंग द एप्लीकेशन ऑन हेल्ड हैंड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो या तो वो डेटा एंटर करेगा अपने में या उसको एक्सेस करेगा थ्रू द एप्लीकेशन, जिसके हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है लाइक मोबाइल या लैपटॉप, उसमें जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपने डेटाज एंटर करेगा या उसको एक्सेस करेगा। फर्स्ट स्टेप ये है। फिर यूजिंग वन ऑफ द सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज द न्यू डेटाज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम हैंड हेल्ड टू साइट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वे फाइल्स आर अपडेटेड एंड द न्यू डेटाज आर एक्सेसिबल टू अदर सिस्टम यूजर्स। तो वो क्या करेगा, अपने डेटा ट्रांसमिट करेगा अपने अपने हैंड हेल्ड डिवाइस लाइक फ़ोन या लैपटॉप में, उस साइट के सिस्टम में ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पे वो फाइल्स अपडेटेड होंगे और नए डाटा एक्सेसिबल भी होंगे अदर यूज़र्स को। तो वो लाइक सपोज ये फेसबुक है, सबसे पहले फेसबुक में क्या होगा, यूज़र अपने डेटा एंटर करेगा और फिर वो फेसबुक वाले अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अपने साइट में वो डेटा को अपडेट कर देगा और न्यू और अदर सिस्टम यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो नाउ बोथ सिस्टम हैंडल एंड साइड कंप्यूटर्स हैव द सेम इन्फॉर्मेशन एंड आर इन सिंक। तो तुम जो मोबाइल में टाइप किए, जो तुम्हारे मोबाइल में दिख रहा है वही उसके साइट में दिख रहा है, तो वो सिंक में है एंड द प्रोसेस वर्क द सेम वे स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। फिर उसके बाद सेम मैसेज होता है। तो ये स्टेप्स है कि सबसे पहले डेटा एंटर करना है, फिर वो साइट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट हो जाएगा और फिर है वो दोनों सिंक हो जाएगा और फिर वो बोथ फ्रॉम द अदर डायरेक्शन भी ऐसे सेम बोलते हैं, मतलब ये सिमिलर टू डेस्कटॉप जैसे काम करता है उसी से सिमिलर, बस इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स। फिर है बेनिफिट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग हो चुका है, लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग में आते हैं। तो फर्स्ट है इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज जनरली स्लोवर देन डायरेक्ट केबल कनेक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज GPRS एंड GSM इवोल्यूशन एंड मोर रिसेंटली 3G नेटवर्क्स। दिस नेटवर्क्स आर यूजली अवेलेबल विथ रेंज ऑफ कमर्शियल सेलफोन टावर्स। हाई स्पीड वायरलेस लेंस आर इनएक्सपेंसिव बट आर वेरी लिमिटेड रेंज। तो ये बोल रहा है कि जो डायरेक्टली केबल से कनेक्टेड होते हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पीडर रहेंगे देन देयर्स ऑफ नेटवर्क यूज़ जो अपन करें, क्योंकि हमारा देखो हम जब भी मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं और जब हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली ब्रॉडबैंड ज़्यादा स्पीड रहता है। तो वही बोलते हैं वो केबल वाला ज़्यादा स्पीड रहेगा और जो ये GSM 3G नेटवर्क 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा स्लो रहता है, बट आजकल इतना स्लो भी नहीं है, बहुत ही स्पीडी से ये सब लिमिटेशंस ओवरकम हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। व्हाइल वर्किंग वन इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक नेटवर्क रिक्वायरिंग केयरफुल यूज, सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। व्हाइल कंसर्निंग द मोबाइल कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स वन कैन इजिली अटैक द VPN थ्रू अ ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर तुम्हारा मोबाइल अगर तुम्हारा डिवाइस अगर पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि VPN जो होता है ना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो इजीली अटैक हो जाता है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही मतलब सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है अगर तुम पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। लाइक जो ओपन वाईफाई है अगर उसमें तुम अपने बहुत ही ओपन वाईफाई के थ्रू बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटाज या इन्फॉर्मेशन में डील कर रहे हो तो वो बहुत ईजिली क्रैक हो सकता है। तो इससे हमको सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में एक हमारा लिमिटेशन है। थर्ड है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन में क्योंकि हमारे जो डिवाइस होते हैं वो बैटरी के रिलेटेड पावर बैटरी से चलता है तो उसको हमको हमेशा चार्ज करना पड़ता है, जिससे पावर कंजप्शन का प्रॉब्लम आता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग है ना उसको भी ग्रीनर IT में देखना चाहिए, उसको ऐसे बैटरी बनाने चाहिए जो कि पावर सेविंग हो और उसका मतलब लाइफ भी ज़्यादा हो, ताकि हमको कम कम चार्ज करना पड़े। ठीक है, ठीक है। फिर है ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस। वेदर टेरेन इन द रेंज फ्रॉम द नियरेस्ट सिग्नल पॉइंट कैन ऑल इंटरफेयर विद सिग्नल रिसेप्शन इंटरनल सम बिल्डिंग्स एंड रूरल एरिया एंड ऑफन पुअर। टाटा स्काई में हल्की सी हवा चलती नहीं कि हमारा टाटा स्काई सबसे पहले बंद होता है, तो वही है हमारी ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि उनके सिग्नल के वेदर इंटरफेयर करता है उनके सिग्नल रिसेप्शन से।
तो ये अगेन एक लिमिटेशन है। जैसे हमारा पानी अगर पानी बरसात का मौसम होता है तो हमारे नेटवर्क चले जाते हैं, तो जो लोग मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं, उनको उन लोग वो नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब इंटरफेरेंस हो जाता है हमारे सिग्नल से, तो दैट इज़ अगेन अ लिमिटेशन। पोटेंशियल हेल्थ हैज़ार्ड्स, पीपल हु यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग आर ऑफन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइविंग एंड दस अज्यूम टू बी मोर लाइकली इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। सेलफोन मे इंटरफेयर विद सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेज। देर आर एलिगेशन दैट सेलफोन सिग्नल मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। ही हम हर दिन व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं कि सेलफोन ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, एंड अगेन ड्राइविंग वाइल टॉकिंग इज अगेन वेरी हजार्डियस। ठीक है, फिर है लास्ट, ह्यूमन इंटरफेरेंस विद डिवाइस। स्क्रीन्स एंड कीबोर्ड्स टेंड टू बी स्मॉल, विच मे मेक देम हार्ड टू यूज़। ऑल्टरनेट इनपुट मेथड सच एज स्पीच और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन रिक्वायर ट्रेनिंग। तो उसमें हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस विद डिवाइस में, जैसे जो मोबाइल में हमारे जो ऑब्वियसली स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स रहते हैं वो ज़्यादा स्मॉलर रहता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप, तो उसको थोड़ा हार्ड यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली न्यू यूज़र्स के लिए वो थोड़े हार्ड ऑफ यूज़ होता है। बट आजकल ये कुछ नहीं है, लोग पैदा ही टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होके हो रहे हैं, किसी के लिए हार्ड यूज़ नहीं होते। हाँ, जो हमारे ऊपर वाले जनरेशन है उनके लिए ये बहुत हार्ड हो जाता है। उसका अगर अपने को अगर कुछ ऑल्टरनेट लाना है, जैसे लैपटॉप में हम अपने लैपटॉप के लिए अगर अपन हम ऑल्टरनेट इनपुट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पीच, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ये सब, बट अगेन दैट दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। फिर है इश्यूज़ इन मोबाइल कंप्यूटिंग में, हमने सिक्योरिटी इशूज़ तो पढ़े थे, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी, लेजिटिमिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हमने PM में देखा है, तो अगर किसी को से याद नहीं आ रहा तो दे कैन गो बैक टू द वीडियो एंड वॉच दैट अगेन। फ्रिक्वेंसी होता है जिसके थ्रू हम जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो उस फ्रिक्वेंसी के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कैन बी इम्प्रूव बाय लॉगिंग एंड कंप्रेशन ऑफ डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। तो अगर अपने को फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, हम सारे डेटाज पहले से ही डाल देंगे उसके अंदर, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करेंगे, ऐसे नहीं कि एक एक करते रहेंगे। एंड द टेक्निक ऑफ कैचिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा आइटम कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि हम आपने भी ट्राई किया होगा कि जब भी हम कोई ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो मोबाइल में या चाहे लैपटॉप में या गूगल क्रोम में, तो गूगल क्रोम में तो कई बार ऐसे होता है कि तुम अपना नाम टाइप करोगे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में अपने नाम टाइप करोगे तो तुम्हारे बाकी जो डेटा है ना वो ऑटो फिल हो जाते हैं। या फिर मोबाइल में अगर तुम अपने ईमेल टाइप करोगे तो प्रेडिक्शन आधा ही टाइप के प्रिडिक्शंस आ जाते हैं, तो क्या होता है वो तुम्हारे डेटास को ना सेव कर लेता है, जिससे कि हमारे टाइम बचते हैं। तो उसको ये बोलते हैं फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा, इट कैन हेल्प इंक्रीज क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम। इससे हमारा टाइम बचेगा, सिंस मोबाइल क्लाइंट ऑफन डिसकनेक्ट टू कंजर्व बैटरी पावर, कैस डाटा कैन सपोर्ट डिसकनेक्टेड ऑपरेशंस। तो ये वही है जो हमको गूगल क्रोम में भी ये बहुत जगह है कि अगर तुम अपने तीन चार बार अपने सारे, तुम्हारा नेम है, तुम्हारा ईमेल आईडी है, तुम्हारा फ़ोन नंबर है, अगर तुम नेम खाली डालोगे ना उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ऑटो फिल आता है, ऑटो फिल में क्लिक करोगे ना तो तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारे नंबर अपने आप वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर है लोकेशन इंटेलिजेंस, क्योंकि ये मोबाइल कंप्यूटिंग है तो मोबाइल कंप्यूटर हमेशा हर जगह एक जिस, मैं इतना पढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्या है, आप एक बार रिन मारें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो लोकेशन इंटेलिजेंस में क्या है, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर हमेशा मूव करते रहता है तो वो दूसरा दूसरा नेटवर्क से जाता रहता है। अगर तुम रोमिंग जो अपना होता है, तो अगर तुम्हारा एक जगह का नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तुम कहीं और दूसरे स्टेट में गए तो वो उस स्टेट का जो वहाँ पे टावर है उसको ले लेता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे जाता है, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि उससे थोड़ा डिसकनेक्शन का रिस्क रहता है, क्योंकि समटाइम्स जैसे तुम बहुत बार देखो जब भी तुम कहीं बाहर जाते हो दूसरी जगह तो तुम्हारा नेटवर्क नहीं रहता है, दैट्स बिकॉज उसके पास जो जहाँ पे तुम हो उसका नियरेस्ट जो तुम्हारा मोबाइल का नेटवर्क है और उस एरिया में तुम नियरेस्ट सर्वर तुमको मिलता नहीं है। ठीक है, हाउएवर व्हेन लोड बैलेंस इज प्रायोरिटी दिस मे बी नॉट पॉसिबल। तो वही है कि जो अपन क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर मूव होता रहता है तो नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, डिसकनेक्टेड होता रहता है, क्योंकि हर जगह हमारे उस नेटवर्क का सर्वर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, पावर कंजप्शन मैंने अभी तुमको लिमिटेशन में बताया कि क्योंकि ये बैटरी से चलता है तो हमको बैटरी रेगुलरली चार्ज करना पड़ता है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं ग्रीनर आईटी में जाके। ठीक है,
फिर डिवाइस इन द टेक्निकल आर्किटेक्चर, क्योंकि अभी मोबाइल कंप्यूटरिंग का डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है, तो हमको क्या है, हमको हमको चाहिए कि जो उसका टेक्नोलॉजी है, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसको हम रिवाइज करते जाएँ हर दिन. हर दिन मतलब बहुत रिसेंट, बहुत कॉमनली, बहुत नेसेसरीली हम ये है कि हमको उसका आर्किटेक्चर को डे बाय डे हमको अपडेट करते रहना है. जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हमको अपडेट करना है, क्योंकि इतने सारे यूज़र्स हो चुके हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के. तो अगर हम आउटडेटेड, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड और ऑब्सोलेट हो जाएंगे तो बहुत ही लॉस हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को. एडिशनली एप्लीकेशन एंड डेटा मस्ट ऑल्सो बी रिवाइज टू सपोर्ट डिमांड पुट अपन देम बाय मोबाइल कंप्यूटिंग. और एप्लीकेशंस भी जो नए नए ऐप्स आ रहे हैं, आप हम देख सकते हैं हर थोड़े दिन में हमारे जो ऐप्स रहते हैं मोबाइल में वो अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नीड्स बहुत बढ़ रही है. तो वी वॉन्ट कि हमारे ऐप्स भी उस नीड्स को फुलफिल कर सकें. ठीक है, फिर है रिलायबिलिटी, कवरेज, कैपेसिटी एंड कॉस्ट. एट प्रेजेंट वायरलेस नेटवर्क इज लेस रिलायबल, हैव जियोग्राफिकल कवरेज एंड रिड्यूस बाय आर स्लोवर एंड कॉस्ट मोर देन द वायरलाइन नेटवर्क सर्विस. इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड वेज टू यूज दिस न्यू रिसोर्सेज मोर इफिशेंटली बाय डिजाइनिंग इनिशिएटिव एप्लीकेशन. तो ये बोल रहा है कि वायरलेस नेटवर्क आजकल ज़्यादा रिलायबल नहीं है, जियोग्राफिकल कवरेज भी कम है और बैंडविड्थ भी कम है और स्लोवर है, कॉस्ट है. खैर आजकल इतना कोई वायरलेस नेटवर्क पे इतना कुछ नहीं है, जब से जियो आया है तो वो था हमारे लिए, हमारे सारे मोबाइल डेटर्स के सारे ऑपरेटर्स भी उन्होंने कॉस्ट बहुत रिड्यूस कर दिया है. तो बट स्टिल हमारे बुक में है, तो वी कैन थी वायरलेस नेटवर्क थोड़े लेस रिलायबल है. ऑब्वियसली जियोग्राफिकल कवरेज तो होता है कि एक एरिया में तुम्हारा वाईफाई पकड़ते एक जगह पर नहीं पकड़ता है, तो वो तो कवरेज होता ही है, थोड़ा स्लोवर होता है. ठीक है, ये सब मोबाइल डेटा तुम्हारा स्लोवर होता है थोड़ा, ये सब तो ये सब लिख लेना. फिर है इंटीग्रेशन विथ लेगेसी मेन फ्रेम एंड एमर्जिंग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैराडाइम्स आर चेंजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज ओरिजिनल फोकस ऑन मेन फ्रेम्स. अ ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ एप्लीकेशन यूज इन कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस दैट आर बेसिकली इनकम्पेटेबल विद मोबाइल कनेक्टिविटी हैज बीन एक्यूमुलेटेड. स्टिल द एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेंड इज ग्रेटर टुवर्ड्स वायर नेटवर्क. तो ये बोल रहे हैं कि आजकल के जो भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं उसके थिंकिंग, उसके थॉट्स चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस यूज़ कर रहे हैं बन के रखे हुए हैं, जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी से कंपेटेबल नहीं है. तो जो कि ऐसे एप्लीकेशंस बन रखे हैं जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी मोबाइल में वो नहीं चलते हैं, तो ये हमारे लिए लिमिटेशन होगा मोबाइल कंप्यूटिंग का, क्योंकि सारे मोर देन एप्लीकेशंस आजकल मोर एप्लीकेशंस जो मोबाइल कनेक्टिविटी से कंपेटेबल नहीं है. बट आजकल ऐसे नहीं है, बहुत सारे एप्स दिन पे दिन बनते जा रहे हैं जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी से कंपेटेबल है. फिर है एंड टू एंड डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस. सिंस मोबाइल कंप्यूटर इन्वॉल्व्स मल्टीपल नेटवर्क एंड मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स, एंड टू एंड टेक्निकल कंपेटेबिलिटी, सर्वर कैपेसिटी डिज़ाइन, नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम आर डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि मल्टीपल नेटवर्क्स इन्वॉल्व करता है और बहुत सारे एप्लीकेशन सर्वर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इसलिए हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है डिज़ाइन करने में, स्टोरेज के लिए सब सबके लिए थोड़ा मतलब हमको टाइम रिस्पॉन्स करने में मतलब बहुत ट्रैफिक बढ़ गया इस सब में, तो थोड़ा हमको डिफिकल्ट टू अचीव हो जाता है. और बिजनेस चैलेंज है, टेक्निकल चैलेंजेस तो ये थे, उसके साथ साथ मोबाइल कंप्यूटर आल्सो फेसेस बिजनेस चैलेंजेस. दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी को जनरल पीपल के पास ला पाए, और इसलिए हमको थोड़े बिजनेस चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि ये अभी ना सबके सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ बहुत ही डिमांड बढ़ रहा है इसका धीरे धीरे. बट स्टिल अभी बहुत से लोगों हैं जिनके जो ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो उनको उनके लोगों के बीच में अवेयरनेस डाल सकें कि ये सब बहुत ही ये सब कैसे यूज़ होता है, ये कैसे होता है. तो थोड़े बिजनेस चैलेंजेस भी हैं. क्या है, जो हमने इश्यूज़ पढ़े हैं ये सब सब में ऐसा हमको फील हुआ कि अभी हम ऐसे एरा में आ गए हैं जिसमें ये इश्यूज़ बहुत हद तक यू नो सॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे. तो ऐसे एक टाइम आएगा जहाँ पे इश्यूज़ बहुत कम हो जाएंगे हमारे मोबाइल कंप्यूटिंग के. ठीक है, फिर हमने ग्रीन कंप्यूटिंग पढ़ा था, रेलेवेंट फैक्ट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब हमने पढ़ा था. फिर बी वाई ओ डी में एडवांटेजेस ऑफ बी वाई ओ डी एंड एमर्जिंग बी वाई ओ डी थ्रेड्स पढ़ चुके हैं हम. फिर सोशल मीडिया में वेब 2.0 मैं बता चुकी हूँ, कंपोनेंट्स बता चुकी हूँ, इसमें एक दो एक्स्ट्रा प्लीज़ देख लीजिएगा.
जैसे कि यहाँ पे है फाइल शेयरिंग, पॉडकास्टिंग है, यूजेस ऑफ एक्सएक्स है, आरएसएस, ये आप सब पढ़ लीजिएगा। फिर ये है टाइप एंड बिहेवियर ऑफ सोशल नेटवर्क, ये हमने नहीं पढ़ा है। कि कैसे टाइप के सोशल नेटवर्क होते हैं, तो सोशल कॉन्टैक्ट नेटवर्क्स होते हैं जो तुम्हारी जो स्पेशली फॉर यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिली के कॉन्टैक्ट के लिए रहते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब है। स्टडी सर्कुलेटेड रहते हैं जो कि डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ पे जो तुम्हारा स्टडी रिलेटेड जो है सब उसमें आ जाएंगे, सारे क्वेरीज, सारे एडवांस अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज, सब चीज़ वहाँ पे आ जाएंगे। इसके एग्जांपल हैं फ्लेज विंग्स एंड कॉलेज टुनाइट। आप एग्जांपल्स याद कर लेना एग्जाम में लिखने के लिए अगर आ गया तो। और ये डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स स्टडी टॉपिक है। फिर है फॉर स्पेशलिस्ट ग्रुप, लाइक एक सोशल नेटवर्क जो खाली स्पेशलिस्ट ग्रुप के लिए, जैसे खाली डॉक्टर्स के लिए, या खाली साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, हम सब जानते हैं लिंक्डइन ये सब के लिए फेमस है, प्रोफेशनल्स लोगों के लिए। फिर नेटवर्क फॉर फाइन आर्ट्स है, यहाँ पे जो म्यूज़िक, पेंटिंग, ये सब रिलेटेड आर्ट्स वाले के लिए हैं। फिर है पुलिस एंड मिलिट्री नेटवर्क, ये पब्लिक नेटवर्क्स नहीं होते हैं, बट ये प्राइवेट डोमेन्स होते हैं, जो पुलिस का एक सोशल नेटवर्क, वहाँ पे सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, सारे मिलिट्रीज हैं, और वो अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर है स्पोर्टिंग नेटवर्क रिलेटेड टू, इसमें ये प्राइवेट डोमेन होते हैं ना, स्पोर्टिंग नेटवर्क रिलेटेड टू स्पोर्टिंग फर्टर्निटी, वो जैसे कि एथलिंक्स बोल के एक साइट होता है उसमें है। फिर है मिक्स नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे सोशल, देर आर नंबर ऑफ सोशल नेटवर्क दैट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ द एंड इज हेटरोजेनियस सब इन मल्टीपल टाइप ऑफ सोशल कोलेबोरेशन। तो ये मिक्स है, इसमें सारे टाइप के सोशल नेटवर्क्स आ सकते हैं, पर इसमें सब्सक्रिप्शंस रहते हैं, और वो मल्टीपल टाइप ऑफ सोशल कोलेबोरेशन भी करते हैं, लाइक यू कैन इवन कोलेबरेट, स्टडी ग्रुप्स एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स कैन कोलेबरेट, यू नो, सो दैट दे कैन गेट देयर इंफॉर्मेशन टू एंड अगेन। तो ये सब मिक्स नेटवर्क्स होते हैं। फिर है फॉर द इन्वेंटर्स, इन्वेंट्रीज जो जो इन्वेंट करते हैं सोशल नेटवर्क्स, वो मतलब जो ये बनाते हैं, डेवलप करते हैं, सारे डेवलपर्स आर्टिकेट्स ऑफ सोशल नेटवर्क ही डेवलप करते हैं, उनका एक ग्रुप रहता है, उसमें टेक्निकल चीज़ें बात होती है कि कैसे हम ये कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन शॉपिंग एंड यूटिलिटी सर्विस नेटवर्क शॉपिंग पर्पज़ के लिए होता है। फिर है अदर्स, अदर्स में ऑल अपार्ट फ्रॉम द नेटवर्क आउटलाइन अबव देर आर मल्टीपल अदर सोशल नेटवर्क विच सर्व ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनेट पॉपुलेशन मल्टीपल वेज, सम ऑफ नेटवर्क ड्राई आउट वेरी फास्ट ड्यू टू लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव सब्सटेंसेस थ्रू वाइल अदर्स फाइनली में। हाँ, तो मतलब उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रहते हैं जो कि उसमें बहुत इंटरनेट पॉपुलेशन मल्टीपल वेज में रहता है, कुछ कुछ तो ज़्यादा हीट नहीं हो पाते, वेबसाइट्स ज़्यादा नहीं चल पाते, उनको बंद करना पड़ता है, बट कोई कोई बहुत ज़्यादा चल लेता है, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल ऑफ सोशल नेटवर्क, ये सब एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना कि जैसे हमको, अगर हम क्यों सोशल नेटवर्क कैसे करेंगे, हम अगर हमको कोई हम नीड फॉर सोशल नेटवर्क, सबसे पहले हम इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स आइडेंटिफाइड कि क्या किस टाइप के मेंबर्स उसमें होंगे हम जो सोशल नेटवर्क बनाएंगे। फिर है क्रिएट स्पेस फॉर सोशल नेटवर्क साइट्स, हम एक फिर एक जगह बनाएंगे कि कहाँ ये रहेंगे, लाइक जैसे लोग बनाते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ऐसे, तो हम भी एक ऐप बनाएंगे। फिर हम उसमें रेगुलर मीटिंग्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हैव इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। फिर हम डेटा और मेम्बर्स के शेयर करेंगे, या फिर हम इंटरेक्ट करेंगे अदर नेटवर्क से, हम मैशअप्स करेंगे, मैशअप मतलब दो इन्फॉर्मेशन अलग अलग यूज़ करके तीसरा इन्फॉर्मेशन करेंगे, या फिर हम फाइनल गोल अचीव करेंगे। तो ये एकदम ऊपर ऊपर से है, इसको एक बार रीडिंग वाला लेना। फिर है एप्लीकेशन ऑफ वेब 2.0, तो क्या क्या एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है वेब 2.0, तो सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है। फिर है मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है हमारा, और एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। ये भी एक बार पढ़ लेना, एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। इट प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द वे सोशल मीडिया में, इट प्रोवाइड अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द वे पीपल कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है वेब 2.0 की वजह से, क्योंकि वेब 2.0 कस्टमर ओरिएंटेड भी रहता है, ना खाली जो डेवलपर्स हैं वो अपने इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट जो यूज़र्स हैं वो भी अपने क्वेरीज, अपने विचार सब उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। मार्केटिंग भी बहुत इजी हो गया है, और एजुकेशन पर्पस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया वेब 2.0 की वजह से।
तो ये है फिर बेनिफिट एंड चैलेंजेस फॉर यूज इन वेब 2.0, ऐसे ही है। इस समय पर रिडीम वाले ना ये इतना आएगा नहीं एग्जाम रिलेटेड, जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजुकेशन, ये पढ़ सकते हैं, ये कुछ नहीं है। फिर अगेन जो हमने पीएम में पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। एक बार रिडीम मार लेंगे, एक बार आप रीडिंग मार लें और साइड में लाइक साइड में ना बस लिख लें कुछ कुछ पॉइंट्स की किसके बारे में, ताकि तुम आपको एग्जाम टाइम ना पूरा याद नहीं करना पड़ेगा, पूरा फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप जैसे ये पैराग्राफ, सपोज ये पैराग्राफ रीडिंग मारे तो यहाँ पे दो की वर्ड्स में लिख दें कि ये क्या है, तो आपको ये एग्जाम टाइम में पैरा नहीं पढ़ना, वो दो की वर्ड्स तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ये है, तो ये आपके लिए लेसर इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता चल जाएगा। फिर है वेब 3.0। अब है कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। ये मैं आपको स्वप्निल पटने सर की बुक से पढ़ा रही हूँ, मैं इसको स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि स्टडी मटेरियल में बहुत है, जो खाली ये कंसेप्ट हमको एक आर लग जाएगा, तो मैं खाली इसमें जो ब्लू ब्लू मार्क्स क्या हुआ है उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप समझ जाएंगे, पर आप रीडिंग मान लेंगे तो आराम से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के यूज़ होते हैं, तो ये एंड यूजर्स को एक्सेस करने देते हैं शेयर पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेस, ये सब है। तो जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी डेटाज को स्टोर कर सकते हैं, हम कंप्यूट कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमको वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं जहाँ पे हम उसको हमारे जो सॉफ्टवेयर बिल्ड है हम उसको माइग्रेट कर सकें। तो यही है इसका इंट्रोडक्शन ब्लू वाले में, द एनेबल एंड यूजर टू एक्सेस द शेयर पूल ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड है, थर्ड है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड इंक्लूड्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूल इन, रैपिड इलास्टिसिटी मेजर, ये सब है। फिर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी नीस्ट तीन बेसिक सर्विस मॉडल दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये हार्डवेयर लेवल सर्विस होता है जो प्रोवाइड कंप्यूटर रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क्स फॉर क्लाउड यूजर टू रन देयर एप्लीकेशन ऑन डिमांड। तो ये हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जहाँ पे हम अपने जो हमने अपने एप्लीकेशंस बनाए हैं या फिर जो हमने एप्लीकेशन यूज़ करें उसको हम रन कर सकें। तो ये हमको प्रोसेसिंग पावर देता है उसका, उसका मेमोरी मेमोरी के लिए जगह देता है, स्टोरेज कैपेसिटी देता है, तो ये सब IaaS देता है। दिस अलाउ यूजर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी विदाउट हैविंग टू ओन एंड मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज। तो हमको खुद को अपने रिसोर्सेज मैनेज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है वो हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं उनके कंप्यूटर में, उनके सर्वर्स में ये सब रहते हैं। तो हमको कोई ओन नहीं करना पड़ता, हम कोई रिसोर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, IaaS चेंजेस द कंप्यूटिंग फ्रॉम ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ए वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वर्चुअल कंप्यूटिंग, तो हमको हार्ड डिस्क नहीं चाहिए रहता है स्टोरेज के लिए, सब के लिए, क्योंकि हमको हम डायरेक्ट थ्रू इंटरनेट ही हम अपने डेटाज एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए रहता, हमको एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है जो हमको IaaS देता है। ठीक है, IaaS प्रोवाइडर ऑफर कंप्यूटर मोर ऑफन वर्चुअल मशीन्स एंड अदर रिसोर्सेज सर्विस, द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज रिक्वायर टू होस्ट द सर्विस दैट इज टू मेक यूज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेज हार्डवेयर स्टोरेज नेटवर्क एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। वो IaaS हमको ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है अपने को, और हमको सो दैट वी कैन मैनेज द नेटवर्क कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एवरीथिंग। ठीक, इन ऑर्डर टू डिप्लॉय दर एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग यूज इन क्लाउड क्लाइंट्स इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज एंड देयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन भी ऑनलाइन रिटेलिंग के साथ साथ ये वेब सर्विसेज में भी एक्सटेंशन आया है, ये हमको वेब सर्विस प्रोवाइड करता है, हमको क्लाउड स्पेस देता है अमेजन वेब सर्विस भी। ठीक है, तो ये हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमको कंप्यूट हमको हेल्प करते हैं कंप्यूटिंग में, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, नेटवर्क में, लोड बैलेंसेस में, जैसे कि स्टोरेज में जैसे वो हमको हेल्प करता है ताकि हमको हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, वो हमके लिए बैकेंड
प्रोवाइड करता है, जहाँ उनका सर्वर में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उनके नेटवर्क के थ्रू ही हम अपने उनके नेटवर्क के थ्रू ही हम इसको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्स को। फिर वो लोड बैलेंसिंग भी होता है, जो लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज़ को वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। वो कंप्यूटर में भी हेल्प करता है वर्चुअल सीपीयूज़ और वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करके, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, द आईटी यूज़र नीड नॉट गेट फिजिकल एक्सेस टू सर्वर, द हाईएस्ट मॉडल नेम द आईटी यूज़र टू एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ओवर द इंटरनेट व्हेन एक्सेसिंग अ ह्यूज कंप्यूटिंग पावर। अच्छा, तो इसमें ये बोल रहा है कि वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, जहाँ पे आईटी यूज़र जो है ना वो अपने रिसोर्स इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उनको कोई फिजिकल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, सब वर्चुअली कर सकते हैं उन लोग अपने कंप्यूटर में बैठ के, क्योंकि सारे डेटा जो स्टोर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के डेटा के सर्वर में स्टोर होते हैं। अपने को लगता है कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, बट हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते हैं, वो उनका स्टोरेज में ही स्टोर होते हैं। फिर है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, दैट इज एंश्योर इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट पार्ट्स में और हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग में है, यूसेज ऑफ रिसोर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इलास्टिसिटी है ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्केलिंग, हाई स्केलेबिलिटी, ये सब भी है। शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो ए वन टू मैनी डिलीवरी मोड एंड अलाउज मल्टीपल आईटी यूजर टू शेयर द सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दस एंश्योर हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो वन टू मैनी है, एक को बहुत लोगों के साथ अपन शेयर कर सकते हैं, इसको वन टू वन नहीं है। मीटर सर्विस IaaS अलाउज आईटी यूजर टू रेंट द कंप्यूटर रिसोर्स इंस्टेड ऑफ बाइंग इट, सो वी कैन अगेन रेंट द कंप्यूटर रिसोर्स, अपन को खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सब रेंट में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट। फिर ये है इंस्टेंसेस ऑफ IaaS। IaaS हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, हमको अगेन नेटवर्क एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने को डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी देता है, वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज देता है एंड यूजर्स को ऑन पेपर यूज बेसिस में, और वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स क्रिएट करता है, वर्चुअल राउटर्स क्रिएट करता है। फिर है स्टोरेज जैसे सर्विस, हमको स्टोरेज देता है उनके सर्वर में और बैकअप रिस्टोर का फैसिलिटीज़ भी देता है, डिजास्टर रिकवरी का भी होता है। एंड यूजर ट्रेसेस ऑफ आईटी, और हम लोकेशन भेजे बैठा तो हम कहीं से भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं उसके डेटा उसके फाइल्स को। फिर है हमको डेटाबेस प्रोवाइड करता है, तो हम अपने डेटाज को वहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, हम जब चाहे कर सकते हैं। अगेन पेपर यूज बेसिस में रहता है, अपने को कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वी कैन डायरेक्टली गो एंड यूज़ दैट ओवर इंटरनेट। फिर है ये अपने को बैकएंड एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर है बैकएंड एज अ सर्विस, तो इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल ऐप डेवलपर होते हैं ना, उनको हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कि वो अपने एप्लीकेशंस को बैकिंग क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट कर सकें और एडेड सर्विस दे सकें, जैसे कि नोटिफिकेशंस दे सकें, सोशल नेटवर्क सर्विस यूज़ कर सकें। तो ये है बैकएंड एज अ सर्विस है। फिर डेस्कटॉप एज अ सर्विस में है कि डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन विदाउट बाइंग एंड मैनेजिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमको हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए रहती है, हम डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब हमको लगता है कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, बट वो हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है, वो उनके सर्वर में होता है, तो इससे दैट इज़ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। अपने को अलग से हमारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहना होता है। पेपर यूज क्लाउड सर्विस डिलीवरी मॉडल इन विच द सर्विस प्रोवाइडर मैनेजर द बैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा स्टोरेज बैकअप सिक्योरिटी एंड, तो ये एक पेपर डेस्कटॉप एज अ सर्विस भी एक पेपर यूज क्लाउड सर्विस डिलीवरी मॉडल होता है, जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा स्टोरेज की बैकअप की वो सर्विस प्रोवाइडर की ही होती है। द एंड यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन डेस्कटॉप इमेजेस एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमको प्लेटफॉर्म मिलती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को बना सकें। इट प्रोवाइड्स द यूजर द एबिलिटी टू डेवलप एंड डिप्लॉय एन एप्लीकेशन ऑन द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें या डिप्लॉय कर सकें, डिप्लॉय मतलब यूज़ कर सकें, ठीक है। इन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट द एप्लीकेशन विल बी डेवलप लोकली एंड विल बी होस्टेड ऑन द सेंट्रल लोकेशन, तो ट्रेडिशनली क्या होता था, जो हमारे एप्लीकेशन से हम उसको डेवलप करते थे और उसको सेंट्रल लोकेशन में होस्ट कर देते थे, पर टिपिकल इन स्टैंडर्ड, फिर ब्लू वाला ही पढ़ रही हूँ मैं, बस टिपिकल
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर में प्रोवाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेटाबेस एंड टेस्टिंग टूल अपार्ट फ्रॉम सम बिल्ड टूल्स डिप्लॉय टूल्स एंड सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर सर्विस सम केसेस। तो वो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है वो यहाँ डिटेल से पढ़े हैं पढ़ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कि जैसे कि जावा पाइथन रूबी ये सब डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन कोडिंग करते हैं ना तो इस लैंग्वेज से कोड करते हैं फॉर द डेवलपर्स टू डेवलप एप्लीकेशन। तो ये हमको बताता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करता है। फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क वेंडर प्रोवाइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लाइक जूमला वर्डप्रेस सिनेट्रो एक्सेट्रा फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो हमको फ्रेमवर्क्स देता है कि हमको फ्रेमवर्क ऐसे वाले देते हैं ताकि हम अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। फिर हमको वो डेटाबेस देते हैं तो अपने को जगह देता है क्लियर डीबी क्लाउड एंड रेडिस एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस ये सब पॉपुलर डेटाबेस है। फिर अदर टूल्स मतलब अपने को डेवलप करने का वहाँ पर टेस्ट करने का यूज़ करने का भी हमारे सारे टूल्स एंड टूल्स देते हैं क्या ताकि हम इतना सब कर सकें। ठीक है फिर सर्विस ऑफर्ड है कि ऑल इन वन मोस्ट ऑफ द पास प्रोवाइडर्स ऑफर सर्विस लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप टेस्ट डिप्लॉय वही है कि हमको वो सारे ऑफर्स देते हैं ताकि हम वहाँ पे डेवलप भी कर सकें टेस्ट भी कर सकें यूज़ भी कर सकते हैं मेंटेन भी कर सकें वही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट में ही हम सब कर सकते हैं। वेब एक्सेस टू द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इट हेल्प्स द डेवलपर टू क्रिएट मॉडिफाई टेस्ट एंड डिप्लॉय डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो वेब एक्सेस देता है ताकि वहाँ पे उन लोग वेब एक्सेस मतलब सर्च करने होते हैं कि क्या क्या वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म में क्या क्या यू नो डेवलपर्स हैं क्या क्या एप्लीकेशन डेवलप हैं ताकि हम उसी प्लेटफॉर्म में उसको यूज़ कर सकें। ऑफलाइन एक्सेस भी हम लोग को अवेलेबल है डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन लोकली बना सकते हैं एंड यूज़ इट ऑनलाइन व्हेनेवर दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। To enable offline development, some of the provider also allow the developer to synchronize their local ID and pass with pass services. तो वो offline development भी देता है access भी देता है उसके लिए उनको अपने local IDE को synchronize करना पड़ता है। फिर है build and scalability की again scalability है on that is developed using any particular this ensures that the application is capable of handling load balancing effectively. तो वही जो थ्रेशोल्ड लिमिट में हमने पढ़ा है ना कि अगर डिमांड बढ़ गया तो कैसे उसको अचानक से स्केलेबल करना है घट गया तो कैसे उसको कम करना है। फिर है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म मोस्ट ऑफ द पास प्रोवाइडर्स प्रोवाइड टूल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें वहाँ पे उन लोग कोलैबोरेट भी कर सकते हैं दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। फिर डाइवर्स क्लाइंट टूल्स वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइंट टूल्स लाइक वेब यूजर इंटरफेरेंस एप्लीकेशन प्रोग्राम API एक्सेट्रा टू हेल्प डेवलपर टू चूज अ टूल ऑफ देयर चॉइस। ये सब टूल्स हैं जिसके थ्रू लोग अपने वो बनाते हैं एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे। फिर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड्स एबिलिटी टू द एंड यूजर टू एक्सेस एन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट दैट इज होस्टेड एंड मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होस्ट किया है जैसे गूगल गूगल ड्राइव यूज़ किया है होस्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होस्ट किया है अमेजन वेब सर्विसेज भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देते हैं। तो ये सब अपन उसको मैनेज कर सकते हैं और तो अपन नहीं मैं अपन खाली यूज़ कर सकते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर ही इसको मैनेज करते हैं। दस द एंड यूजर्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर मैनेजिंग और कंट्रोलिंग एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एंड तो अपन इसको अपने को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सो वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। ये गूगल ही मैनेज करेगा एज अ केस और या माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा। इन द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मॉडल द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड एज लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट दैट नीड्स टू इंस्टॉल द एंड यूजर डिवाइस। तो पहले क्या होता था पहले ये लाइसेंस बेस्ड प्रोडक्ट होता था मतलब अपने को इंस्टॉल करना पड़ता था वो एप्लीकेशंस को बट आजकल क्या होता है इज डिलीवर ऑन डिमांड सर्विस ओवर द इंटरनेट देर इज नो नीड टू। पर आजकल क्या है आजकल ओवर द इंटरनेट ही अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हो गूगल ड्राइव को क्या तुम गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो नहीं ना कि हम ओवर द इंटरनेट ही हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो अपने को कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है फिर है सर्विस प्रोवाइडर यूजर टू एक्सेस लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट दैट आर होस्टेड ऑन सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल वन कैन मेक हिज और ओन वर्ड डॉक्यूमेंट इन गूगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सी ही कैन एडिट अ फोटो ऑनलाइन ऑन पिक्सेल आर ही नीड नॉट इंस्टॉल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर
सिस्टम प्रोविजन्स। आजकल हम PDF एडिटिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं, हम कोई फोटो साइज कंप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, तो हम सब ये सब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग सब ऑनलाइन कर सकते हैं। हम लोग को आज सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड करना नहीं पड़ता, वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह सब ऑनलाइन आने लग गए हैं। तो ये ऑनलाइन कैसे हो रहे हैं, ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं, जब हम अपलोड कर रहे तो स्टोर कहाँ हो रहा है, ये उनके सर्वर में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं अपने को, बिजनेस सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ERP, बिलिंग, सेल, ह्यूमन रिसोर्सेस, हमारे जो सारे MIS, EIS ये सब जो होते हैं, हम जो रिपोर्ट्स लेते हैं इसके थ्रू, तो ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सर्विस उन लोग ऑफर कर रहे हैं, उनके उनके द्वारा होस्टेड और मैनेज्ड उसको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर सोशल नेटवर्क, अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर हैंडलिंग द वेरिएबल लोड, ये लाउड नहीं होगा ये लोड होगा, तो सोशल नेटवर्क हो गया। फिर है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विस टू क्रिएट मैनेज एंड ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक एज मोस्ट ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आजकल हेल्प करते हैं अपने को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे PDF क्रिएटर्स हो गए, एडोब हो गया, ये सब। फिर मेल सर्विसेज, तो ये अपने को मेल सर्विसेज भी देते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये अगेन वन टू मैनी है, वेब एक्सेस देते हैं अपने को, एनी लोकेशन से अपन यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, अपने को मैनेज नहीं करना पड़ता है, मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, हम डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, कहीं भी, बेटर स्केलेबिलिटी अपन इंक्रीज कर सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी है, एंश्योर 99.99 अवेलेबिलिटी ऑफ यूज एज प्रॉपर बैकअप एंड रिकवरी आर इम्प्लीमेंटेड, तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारे लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। फिर API इंटीग्रेशंस है, सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग विद अदर सॉफ्टवेयर और सर्विस स्टैंडर्ड्स API, तो ये इंटीग्रेट कर सकते हैं अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, फिर है इंस्टेंस ऑफ SaaS, तो टेस्टिंग एज अ सर्विस, APIs और ईमेल एज अ सर्विस, तो टेस्टिंग एज अ सर्विस में है, दिस प्रोवाइडर यूजर्स विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, दिस प्रोवाइड यूजर्स विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटी सच एज जनरेशन ऑफ टेस्ट डेटा, जनरेशन ऑफ टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिजल्ट इवेल्यूशन ऑन पेपर यूज बेसिस, तो ये हमको हेल्प करता है टेस्टिंग कैपेबिलिटीज में। इसका एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको अगर पता होगा तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। फिर है API एज ए सर्विसेज, दिस अलाउ यूजर टू एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्विसेज सच एज गूगल मैप, पेरोल प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज, तो ये सब सर्विस हमको देता है। ईमेल एज ए सर्विस में अपन ऑफिस ऑटोमेशन कर सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन हमने पढ़ा है IPCC में भी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सर्विस विद स्पैम ब्लॉकिंग, मेलवेयर प्रोटेक्शन, ये सब थ्रू एज हम। फिर है ये अदर क्लाउड सर्विस मॉडल्स, जैसे कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, डेटा एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, आइडेंटिटी एज ए सर्विस, सबका एक एक दो दो पॉइंट प्लीज़ आप कर लीजिएगा, आप क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती। एंड द लास्ट कंसेप्ट हमारा है Web 3.0, Web 3.0 का इंट्रोडक्शन और उससे दो कंपोनेंट्स, सिमेंटिक वेब और वेब सर्विसेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ Web 3.0, हमने Web 1.0 2.0 पढ़ा है, तो उसका एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है Web 3.0। इसमें क्या है, इसमें ना वो जो जैसे इसमें उन खुद वो खुद सिस्टम और खुद दे कैपेबल ऑफ एंसरिंग द क्वेश्चंस, मतलब उनके पास दिमाग रहता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, कि वो थिंक, दे कैन थिंक ऑफ इट्स ओन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लाइक हमारे इंट्रोडक्शन, हमारे कमांड्स का उन लोग वेट कर रहे हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है जिसके वजह से उन लोग खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन कंपेरेटिव फील्ड्स एंड एक्सेट्रा। तो मैं एकदम जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्या है ये कंप्यूटर्स विल बी जनरेटेड रॉ डेटा देयर ओन विदाउट डायरेक्ट, तो इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं ना, वो रॉ कंप्यूटर्स खुद एक रॉ डेटा यूज़ करते हैं और उसमें हमारे डायरेक्ट यूजर इंटरफेंस नहीं था, हम इंटरफेंस नहीं था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब भी अपन कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फ्लाइट बुक करते हैं, तो हमने वो कर दिया, उसके बाद क्या होता है, हम जहाँ भी यूज़ करें, हम फेसबुक में यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें या कोई भी अदर वेबसाइट्स यूज़ करें, तो हर जगह उसका एड्स दिखाने लग जाता है। क्या हमने इंस्टाग्राम वाले को बताया कि हम फ्लाइट बुक कर रहे हैं, हम वो वॉच देख रहे हैं, नहीं, बट वो अपने डेटाबेस से वो खुद वो डेटा जनरेट कर लेता है और वो खुद अपने मन में सोचता है कि ही वॉज और सी वॉज विलिंग टू बाय दिस, तो अगर हम उसको
तो हम उसमें ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे तो दे मे बाय दैट, ठीक है, तो दे इंड्यूस, दे ट्राई टू इंड्यूस अस, तो ये है कि हमारी इंटरफेरेंस नहीं रहती उसमें, बट स्टिल दे गेट दैट डाटा और उसको जनरेट कर देते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो उसको एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बोलेंगे इन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज। फिर वेब 1.0 इज कंफाइंड विद फिजिकल वॉल्स और कंपेयर्ड विद मोर एज मोर डिवाइस सच एज स्मार्टफोन कार्स, और जैसे गूगल होम हमारा है, एलेक्सा है, ये सब क्या है, ये सब भी वेब 3.0 का ही एग्जांपल है। ओके गूगल सीरी ये सब जो है ये वेब 3.0 का ही एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें इनका खुद का कुछ ब्रेन लग रहा है, खुद का कुछ इंटेलिजेंस लग रहा है ना, वो वेब 3.0। तो ये सब ओके गूगल एलेक्सा सीरी गूगल होम ये सब वेब 3.0 का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंकॉर्पोरेट करता है। तो लास्ट पॉइंट है कि दिस सिस्टम आर कैपेबल ऑफ एंसरिंग द क्वेश्चन पोस्टेड बाय द यूजर बिकॉज द एप्लीकेशन इज एबल टू थिंक ऑफ इट्स ओन एंड फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल आंसर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेरी सबमिटेड बाय द यूजर। इन दिस वे वेब 3.0 कैन बी डिस्क्राइब एज मशीन टू यूजर स्टैंडर्ड। लास्ट पॉइंट देखो, ये मैंने जो ओके गूगल सीरी जो भी है उसका पूरा डेफिनेशन ही बताया है कि जो तुम जो क्वेश्चन पूछोगे वो अपने आप से उसको सोचता है, और उसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, वो उसको बताता है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सिमेंटिक वेब और वेब सर्विसेज। तो सबसे पहले सिमेंटिक वेब्स में कि ये कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं शेयर डेटा को यूज़ करने के लिए और शेयर करने के लिए, जैसे कि कॉमन फ्रेमवर्क देता है ना। और सेकंड है कि इंफॉर्मेशन इंटरप्रेटेड बाय मशीन टेक कॉन्टेक्स्टुअल डिसीजन बाय फाइंडिंग कंबाइनिंग एंड एक्टिंग अपन इंफॉर्मेशन ऑन वेब। तो जो भी मशीन जो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करती है ना, वो कैसे होता है, वो मशीन क्यों वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो क्योंकि वो मशीन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने कॉन्टेक्स्टुअल डिसीजन खुद से खुद ले सकती हैं, कैसे वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके, उनके फाइंडिंग्स को यूज़ करके, उसको कंबाइन करके, उसमें एक्ट करके, उसमें अपने खुद का दिमाग लगा के ही वो अपने सारे डेटा और इन्फॉर्मेशंस को इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। फिर है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट सपोर्ट्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर इंटरनेट, जिससे कि लोग कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल फ्लिकर है। तो ये हुआ हमारा वेब 3.0। अब हम जाते हैं स्टडी मटेरियल में और देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर हमारा बच गया तो अपन वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा स्टडी मटेरियल, मैं बता देखते हैं अभी कि कुछ बचा है क्या। ग्रिड कंप्यूटिंग हमारा हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है, क्लाउड वर्सेस ग्रिड हो गया, गोल्स हो गए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट हो गया है, ये सब तो हो गया है ना। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल हमने अभी क्या है, आप ये सब डायग्राम्स देख सकते हैं अगर एग्जाम में फॉर मार्क पेचिंग, और अगर आपको एक बार डिटेल स्टडी कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सा कंसेप्ट है। मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि पहले सबका रीडिंग कर लीजिएगा ये सब जो है ना, या तो आइदर इससे आप फिर अपने पटने सर के बुक से भी कर सकते हैं, या अदर आप जो भी टीचर से सी कोचिंग लिया आप उसको यूज़ करके पढ़ सकते हैं, बट एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी एकदम डिटेल स्टडी इसका नहीं बताया है, एकदम ऊपर ऊपर से बताया है, ठीक है। फिर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एडवांटेजेस हो गया, इश्यूज रिलेटेड हो गया है, फिर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेस और ये था, ये वाले सिक्योरिटीज इशू में मेमोरी कैप्सूल था, पागल सेट विद एसिड, और इसका था शिट यूज़, इसका शिट यूज़ था, ठीक है। फिर मोबाइल कंप्यूटर हमारा हो रखा है, कंपोनेंट्स हो गया है, हाउ मोबाइल कंप्यूटर वर्क्स हो चुका है, और फिर बेनिफिट्स हो गए, लिमिटेशंस हो गए हैं, इश्यूज हो गए हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग हो गया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले क्रिप, उसका मेमोरी कैप्सूल था BYOD हो गया है, उसके हम एडवांटेजेस इसके थ्रेड्स हो चुके हैं। फिर ये था सोशल मीडिया में वेब 2.0 हो चुका है, उसके कंपोनेंट्स हो चुके हैं, उसके बिहेवियर हो चुके हैं, लाइफ साइकिल करा दिया था, एप्लीकेशन भी करा दिया था, एक बार एप्लीकेशन भी मैंने ऊपर ऊपर से करा था तो आप रीडिंग कर सकते हैं, बेनिफिट्स भी चैलेंजेस भी शायद कराया था मैंने, याद नहीं मुझे,
अगर नहीं करा है तो एक बार आप रिटर्न मान लीजिए, कुछ नहीं है। एंड वेब 3.0 तो अभी मैंने कराया, तो दैट्स इट, हमारा चैप्टर 8 हो गया। फर्स्ट पार्ट में पीएम के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जो पीएम के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं वो इसमें कवर हो चुके हैं। हालांकि मैंने 2 ही दिन नहीं किया था वो कंप्यूटिंग, पब्लिक प्राइवेट वाले, क्लाउड वाले नहीं किए थे, और ये सर्विसेज वाले नहीं किए थे, और एक दो था जिसमें क्योंकि कम पॉइंट्स थे इसलिए मैंने वो नहीं किया था, वो मैंने इसमें कवर कर दिया। और मैंने जो इसमें स्टडी मटेरियल में जो जो इम्पॉर्टेंट है ना वो मैं एकदम अंदर से गई हूँ, और जो जो थोड़े इम्पॉर्टेंट नहीं है मुझे लगे तो उसको मैंने ऊपर ऊपर से समझा दिया है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो एक बार आप रीडिंग मान लें और फिर समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट्स इट, ये यहीं पर मैं अपने वीडियो खत्म करती हूँ पार्ट 2 की। आप पार्ट 3 का मैं सोच रही थी कि रिविजन वीडियो मैं अभी नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी तो हम पढ़े हैं, तो अभी हम अभी तो अभी अभी पढ़ रहे हैं हम ये, तो रिवीजन थोड़े दिन के बाद करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी तो हमको पूरा अच्छे से याद है। अभी बस अभी क्या करें, अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 को कम्युलेटिव करके अभी पर रीडिंग मान लें अपने सारे वीडियो, अपने सारे बुक्स में जो जो आप बुक रेफर कर रहे हैं। फिर मैं कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ, अभी मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर टेक ओवर करती हूँ, फिर मैं एक साथ 2-3 चैप्टर्स के रिविज़न डाल दूँगी, ठीक है। So if you like the video, then please let me know in the comment section, because that means a lot to me. And please like, share and subscribe the video and the channel. It would mean a lot to me. So thank you.